आहे के ही कारण आ गमन तुम्हारा आपके ही कारण आ गमन तुम्हारा कराओ कहा वो सुख कराओ ना लाओ बबारा आज महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से कहने लगे गुरुदेव आपका आगमन मेरे यहां किस कारण से हुआ कहा वो सो करब आप कहें हम उस को तुरंत करते हैं न लाऊ बबारा में हम देरी नहीं करेंगे आप केवल आज्ञा दें हमें क्या करना है तो दशरथ जी ने कहा बोले सुनो रक्षा च सहायताम दे ही राजन हमें दो चीजें चाहिए एक तो रक्षा एक सहायता अब रक्षा का मतलब क्या हुआ क्या परिचय रक्षा का मतलब सैन्य शक्ति रक्षा के लिए यज्ञ करते हैं यज्ञ नहीं हो रहा है तो रक्षा के लिए सेना आदि सहायता यानी रुपया पैसा रुपया पैसा धन दौलत क्योंकि यज्ञ के लिए व्यवस्थाएं भी तो काफी जुटानी पड़ती है तो विश्वामित्र ने कहा रक्षा च सहायताम देहि मे राजन हमें रक्षा और सहायता दोनों दे दो जैसे ही रक्षा सहायता कहा तो महाराज दशरथ कहने लगे बोले सुनो गुरुदेव आप कहें और ऐसा हो सकता है कि मैं ना दूं राजा दशरथ से विश्वामित्र कहने लगे सोच लो राजन कहीं ऐसा ना हो कि बदल जाओ हम मांगे और आप बदल जाएं दशरथ कहने लगे नहीं क्यों क्योंकि रघुकुल रीति सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन न जाए प्राण भले ही चले जाएं लेकिन हमारे वचन नहीं जा सकते आप मांग करके दो देखें सही दशरथ से विश्वामित्र कहने लगे सुनो राजन एक बात और मैं आपसे कहूं तुम छत्री हो और छत्री का सिद्धांत होता है क्या कहने लगे विश्वामित्र अरे सूर्य उगै पूरब दिशि से अरे सूर्य उगै पूरब दिशि से और पश्चिम ओर उगै कबहुना सूर्य कहां से उगता है पूरब की दिशा से गुरु विश्वामित्र कहने लगे राजन अरे सूर्य उगे पूरब दिशि से और पश्चिम ओर उगे कबहुना हाड़िल धरती जब त्याग दई तो लकड़ी पांव धरे कबहुना और जे अनरीत गुलामन की और कही के बात करी है कबहुना और सुनो अरे जे परतीत असीलन की और कही के बात बदले कबहुना और सुनो राजन तुम छत्री हो अरे छत्री जब हथियार कसे तो पीछे पांव धरे कबहुना अरे सूर्य उगे पूरब दिशि से तो पश्चिम ओर उगे कबहुना तुम छत्री हो और कहीं ऐसा ना हो कि अपने वचन से पलट जाओ महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव आप मांग कर तो देखिए एक बार कहके तो देखे जैसे महाराज दशरथ ने कहा
क्योंकि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज जैसे दशरथ ने वचन दिया, विश्वामित्र कहने लगे, बोले सुनो, असुर समोह सता बहि मोही, मैं जाचन आयो न पतो ही। बोले हमारे पास तो आए हो, लेकिन स्पष्ट बताओ। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चल बध में हो सनाथ। क्या मांगा? अनुज समेत देव रघुनाथ। अब इधर देखना, बड़ा सुंदर भाव। क्या मांगा? अनुज समेत। तो राम जी से तीन अनुज हैं, भरत जी से दो अनुज हैं, इधर नाम के अनुसार देखा जाए तो शत्रुघ्न से भी एक अनुज है। रही बात रघुनाथ की, तो चारों रघुनाथ हैं, क्योंकि चारों रघु के वंश में प्रकट हो गए, तो चारों ही रघुनाथ हैं और राम जी से तीन अनुज हैं। बात स्पष्ट समझ में नहीं आ रही। दशरथ कहने लगे, गुरुदेव आप क्या मांगना चाहते हैं? स्पष्ट रूप से कहें। तुम्हारा जी विश्वामित्र ने कह दिया, दशरथ राम लखन नृप हम खा दीजिए। जैसे ही महाराज राम का नाम सुना, तो महाराज दशरथ रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, गुरुदेव ये तुमने क्या मांग लिया, और कुछ मांग लो। हाथ जोड़ करके महाराज खड़े हो जाते हैं दशरथ और कहने लगे, अरे अयोध्या के रंगी रंगी, अयोध्या के रंगी रंगी, अरे नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यादे न मांगो, अवध मांग लो। अयोध्या के रंगी रंगी, नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम यादे न मांगो, अवध मांग लो यादे न मांगो। कहने लगे, गुरुदेव तुम जो कुछ चाहो मांग लो, लेकिन राम को मत मांगो। लो राज ताज संपत्ति सेना, कुछ भी देना दुश्वार दहिए। अगर आप राज्य मांगे तो मैं राज्य देने के लिए तैयार हूं, संपत्ति सेना जो कुछ चाहे मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं। लो राज ताज संपत्ति सेना, कुछ भी देना दुश्वार नहीं। और हे
प्रभु आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। मेरे हृदय के रंगी न मांगो, अबध मांग लो राम याधि न मांगो, अबध मांग लो राम। दशरथ जी चरणों में पड़े हैं और देखिए कह रहे हैं, हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। हे प्रभु आप राम के अलावा और कुछ मांग लो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। प्रभु प्रभु ये वचन विचार कहो सुत, चारों चौथे पन के हैं। आप मेरे हृदय के रंगी न मांगो, अबध मांग लो राम प्यादि न मांगो, अबध मांग लो राम प्यादि न मांगो। दशरथ हाथ जोड़ करके महाराज विश्वामित्र के आगे खड़े हैं और कहने लगे, प्रभु चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, मागहु भूमि धेनु धन कोसा और सर्वस देहु आज सहरोसा। हे प्रभु अगर आप धन संपत्ति मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। अरे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देहु निमिष एक माही। अगर आप मेरे प्राण मांगे तो मैं तुम्हें प्राण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को मत मांगो। कहने लगे महाराज दशरथ, सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। आज महाराज चरण पकड़ लेते हैं, गुरुदेव ये तुम क्या मांग रहे हो, सब कुछ मांग लो, धन संपत्ति हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि मेरे प्राण भी चाहो आप तो मैं आपको प्राण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को मत मांगो। आज दशरथ रो पड़े। विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ अभी तो तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे,
अभी तुम कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अब वो कहां गया तुम्हारा बचन, कहां गई वो रघुकुल की रीति। कहने लगे दशरथ तू जैसे योगी को, दशरथ तू जैसे योगी को इतनी बच्चों से ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में रमता है। एक योगी का उपकार करने में इतनी उलझन इतनी अड़चन, अगर आज इंद्र से कह देता तो छोड़ देता अपना आसन। और दशरथ तुम बच्चों के मोह में इतने लिपट गए कि अपने वचन तक को भूल गए। ऐसे ही महाराज जब विश्वामित्र क्रोध करने लगे, दशरथ चरण पकड़े हुए हैं, प्रभु आप चाहे जितना क्रोध करो। आखिर में महाराज दशरथ राम को क्यों नहीं देना चाहते। एक बार की बात, महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में गए। जिस समय देवासुर संग्राम में गए, लड़ते लड़ते अचानक इनके रथ की धुरी टूट गई। जैसे ही रथ की धुरी टूटी तो आकाश मार्ग से रथ गिरने लगा। जब आकाश मार्ग से रथ गिरा तो वहीं पर महाराज सूर्य के शिष्य जटायु बैठे थे। जटायु ने देखा कि ये तो हमारे गुरु के वंशज हैं, तो हमारे तो गुरु भाई हुए, हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी जान की रक्षा करें। तुरंत जटायु उड़े और जटायु ने उड़ करके राजा दशरथ को रथ सहित अपने पंखों पर ले लिया। जैसे ही अपने पंखों पर लिया नीचे उतारा, दशरथ कहने लगे जटायु भैया कौन हो तुम? बोले मैं सूर्य का शिष्य हूं, आप मेरे गुरु के वंशज हैं, तुमने मुझे क्यों बचाया? जटायु कहने लगे ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु के वंशजों की रक्षा करूं। दशरथ कहने लगे तुमने मेरी जान बचाई प्राण बचाए, इसलिए तुम मुझसे कुछ मांग लो। जटायु कहने लगे हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। दशरथ ने कहा नहीं हम उधार नहीं रखते, आप जो कहे मैं देने के लिए तैयार हूं। दशरथ ने जब विशेष आग्रह किया तो जटायु कहने लगे बोले अगर प्रभु देना ही चाहते हो तो एक काम करो, क्या अपनी पहली संतान मुझे दे दो। दशरथ ने कहा अभी तो मेरी संतान हुई भी नहीं, हम कहां से दे दें? जटायु ने कहा आज नहीं जब हो जाए तब दे देना। आज उसी बात को सोचकर के महाराज दशरथ रो रहे हैं कि मैं राम को तो पहले भी कहीं दे चुका हूं, अब एक राम को मैं दो जगह कैसे दे दूं। आज विश्वामित्र मांग रहे हैं मैं तो राम को जटायु को दे चुका हूं, पहले जब राम थे ही नहीं, और आज विश्वामित्र मांगने आ गए तो कहते हैं विश्वामित्र से दशरथ सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। क्योंकि राम को तो मैं पहले कहीं दे चुका हूं। इतने में महाराज सतानंद जी आए और सतानंद जी ने बहुत प्रकार से दशरथ को समझाया और समझा करके महाराज राम लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ भेजते हैं। तदुपरांत देखिए ताड़का आदि का उद्धार होता है, मारीच सुबाहु आदि का उद्धार, और आगे महाराज चलकर के यज्ञ की रक्षा होती है। मैं यहां से कथा को संक्षिप्त कर रहा हूं क्योंकि समय है नहीं उतना ज्यादा और कथा है बहुत ज्यादा। तो
तदोपरांत यज्ञ की रक्षा की, गंगा जी में स्नान किया, पंडों से मिले, तदोपरांत महाराज पुष्प वाटिका में माता जानकी से मिलन हुआ और महाराज जनक के यहाँ धनुष का खंडन करके राम जी का माता सीता के साथ पाणि ग्रहण संस्कार हुआ, चारों भाइयों का वहां पर विवाह हुआ, तदोपरांत अयोध्या आए और कुछ समय बाद केकई के वरदान, केकई ने वरदान मांगे और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया और राम लक्ष्मण माता सीता वन में चले जा